उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। रंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। कुतुबगंज मोहल्ले के रहने वाली वृद्धि के अपराधियों ने कर लिया था फरार, 24 घंटे बाद घर आया वापस। बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले के रहने वाले विपिन साह का अपहरण शनिवार की रात तिलकामांझी स्थित कपड़े की दुकान जहां वो काम करते हैं वहां से घर लौटने के क्रम में कचहरी चौक से भीकनपुर के बीच कर लिया गया था, जिसको लेकर परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला कल दर्ज कराया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी टीम गठित की गई, लेकिन देर रात अपहरत विपिन साह को अपहरणकर्ताओं ने सुनसान जगह पर छोड़ दिया, जिसके बाद वो घर वापस लौटे। वहीं अपहरणकर्ताओं के द्वारा उनकी पिटाई भी की गई, जिससे उनकी आंख और आंख के नीचे जख्म नजर आ रहा है। वहीं अपहरण की घटना को क्यों अंजाम दिया गया था इसके बारे में भी वो कुछ नहीं बता पा रही। वहीं उनका कहना है कि 5 से 6 व्यक्तियों के द्वारा उनका अपहरण किया गया और वो कहां लेकर गए थे ये भी उन्हें मालूम नहीं। आस्था का महापर्व चैती छठ पर अस्ताचलगामी सूर्य को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य। बिहार के हर एक जिले में धूमधाम के साथ लोक आस्था के महापर्व चैती छठ मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर बरारी स्थित सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लगातार श्रद्धालु व्रती के साथ गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। वहीं कई व्रती दंड देकर घाट पहुंच रही हैं और गंगा में खड़ी होकर भगवान भास्कर की अर्चना कर रही हैं। वहीं अर्घ्य देने का भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। परिवार के लोग के साथ साथ आम लोग भी अर्घ्य दे रहे हैं। वहीं सूर्य देवता से लोग परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए मन्नतें मांग रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है। वहीं हर एक वर्ग के लोग भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। भागलपुर में पेट्रोल पंप कर्मी से बेखौफ अपराधियों ने लूटे लाखों रुपए। भागलपुर के कजरली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी स्थित मां शक्ति पेट्रोल पंप कर्मी से बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ अपराधियों ने मां शक्ति पेट्रोल फ्यूल सेंटर में घुसकर करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाते रहे और पैसे लूट कर फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी पंप मालिक ने कजरेली पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पंप स्टाफ विक्रम यादव ने बताया कि वो पंप पर ड्यूटी में थे, तभी दो बाइक से सवार 6 लोग पहुंचे और 200 रुपए की पेट्रोल देने की बात कही। जैसे ही पेट्रोल देने के लिए बढ़े तो पीछे से एक युवक ने मुंह दबाकर पंप के अंदर लेकर गए और मारपीट कर रुपए छीन लिए। हालांकि वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई। इधर कजरली थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने कहा कि वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है। मामले में पंप कर्मी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरएन फैमिली रेस्टोरेंट, आरएन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आरएन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आरएन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। भगवा क्रांति के द्वारा 29 मार्च को रामनवमी के उपलक्ष्य पर निकाला जाएगा शहर में भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा को लेकर तैयारी हुई पूरी, प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। झांकी का मुख्य आकर्षण 14 फीट का विराट श्री राम की प्रतिमा और बाहुबली हनुमान रहेंगे। भागलपुर में रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से 29 मार्च को घंटाघर चौक से पूरे शहर के निकाला जाएगा भव्य शोभा यात्रा, जिसमें शहर के हजारों राम भक्त इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं झांकी का मुख्य आकर्षण विराट 14 फीट की श्री राम जी की प्रतिमा,
बाहुबली, बजरंग बली, राम सीता, हनुमान, कृष्ण काली, महादेव की झांकियां रहेंगी। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकार नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। साथ ही छाऊ नृत्य, नासिक का ढोल, झारखंड से आए संथाली बैंड, भागलपुरी बैंड के साथ दर्जनों कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। गौरतलब हो कि भगवा क्रांति 2017 से ये भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। उसी बाबत इस साल भी ये झांकी 29 मार्च को दिन के 11 बजे घंटाघर चौक से निकलकर खलीफा बाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करेगी। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वही प्रशासन की ओर से भी शोभा यात्रा को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है और रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान भगवा क्रांति के जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार उर्फ बिशु मंडल, कुणाल सिंह, संरक्षक निरंजन शाह, शुभम शाह, किशन शाह, विशाल कुमार, अमित मिश्रा, गोपी आनंद, मोहित विकास, विष्णु यादव, राज आनंद के अलावा दर्जनों राम भक्त मौजूद रहे। भोलानाथ ओवरब्रिज पहुंच पथ को लेकर साक्षक के लोगों ने आगजनी कर घंटों भोलानाथ पुल मुख्य मार्ग को किया जाम। भागलपुर के इशाकचक थाना स्थित भोलानाथ पुल ओवर ब्रिज पहुंच पथ की मांग को लेकर इशाकचक के लोगों ने भोलानाथ पुल को घंटों जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घंटों टायर जलाकर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्य मार्ग को जाम किया, जिससे लोगों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां के लोगों ने कहा कि भोलानाथ ओवर ब्रिज बनने से हम लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें पहुंच पथ अवश्य दिया जाए, अन्यथा ये विरोध निरंतर जारी रहेगा। इशाकचक के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भोलानाथ पुल बनने से हम लोगों का किसी प्रकार का निदान नहीं होगा। जब तक हम लोगों को पहुंच पथ नहीं मिलता, तब तक हम लोग इन परेशानियों से जूझते रहेंगे। इसे जल्द से जल्द नक्शे में डाला जाए, फिर काम शुरू किया जाए, तभी हम लोग शांत होंगे, वरना कार्य बाधित किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि कई प्रदर्शन हम लोगों ने किया, लेकिन जिलाधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं। 21 मार्च को गुरु नानकपुरा कॉलोनी में हुई लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 21 मार्च को दोपहर के 12:30 बजे औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानकपुरा कॉलोनी में एक वृद्ध दंपति के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वृद्ध दंपति के घर से 2.25 लाख रुपए नकद, जेवरात और मोबाइल लूटकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की गई और छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए कांड का उद्भेदन कर लूटी गई सामग्री, नकद रुपए और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उसी बाबत गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटे गए रुपए, लूटे गए सोने के आभूषण को गला करके किया हुआ 24 ग्राम का घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने छोटू शर्मा, हीरालाल शर्मा, रंजीत शर्मा और विक्की शर्मा को गिरफ्तार किया। वहीं छोटू शर्मा और रंजीत शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। अगर राहुल गांधी की सदस्यता जल्द वापस नहीं बहाल की गई तो होगा पूरे देश में आंदोलन। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज उठा रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार इंदिरा गांधी की भी सदस्यता समाप्त की गई थी, लेकिन उसे फिर से बहाल किया गया और उसी प्रकार से राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल की जानी चाहिए, नहीं तो इसके लिए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और आज सभी राज्य मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया जाएगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी एक सीट पर सिमट जाएगी। बीपीएससी द्वारा आयोजित 68वीं पीटी की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें 3,590 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। बता दें कि परीक्षा में शामिल कुल 2,98,036 उम्मीदवारों की ओमआर सीट का मूल्यांकन किया गया है। इसके आधार पर मेधा सूची बनाकर रिजल्ट को जारी किया गया है। 12 फरवरी को बिहार के 38 जिलों में 806 केंद्रों पर 68वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा का आयोजन हुआ था। 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए आयोग की ओर से कैलेंडर जारी हो चुका है। एग्जाम कैलेंडर के अनुसार 12 मई को मुख्य परीक्षा होगी। 26 जुलाई को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 11 अगस्त को इंटरव्यू होगा। इसके बाद 9 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। बता दें कि जनरल कैटेगरी में 81% कट ऑफ मार्क्स हैं, जबकि इसी श्रेणी में महिला वर्ग के लिए कट ऑफ 84% है। बात ईडब्ल्यूएस की करें तो 87.25 मार्क्स कट ऑफ है, जबकि फीमेल में कट ऑफ 81.25 है। एससी का कट ऑफ की बात करें तो 79.25 है, जबकि एससी महिला का कट ऑफ 66.50 है।
ईबीसी में 86.50 ईबीसी और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 76.75 आया है। बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 68वीं पीटी की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा कुल 324 पोस्टों के लिए की गई थी। इस परीक्षा में 3,590 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। मालूम हो कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी 68वीं मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जो कि बीपीएससी द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार 12 मई को होगी। परिणाम आने के बाद जल्द ही मुख्य परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 26 जुलाई को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त को उसका साक्षात्कार शुरू होगा और 9 अक्टूबर को अंतिम रिजल्ट निकाला जाएगा।